ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे मापना भरोसा कर सकी थे हमारे उत्पाद हाँ ACC ईंट ग्रीन पेवर्स ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वॉल लाल ईटन से सस्ता चार गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास पता है उड़गड़ी बरगवा सिंगरौली मध्य प्रदेश के रीवा जिला के रहने वाले लोगों का बड़ी और जरूरी जानकारी लेके आए हैं। बता दी कि अगर अपना के मकान अपना रीवा में बनवाए हैं और मकान का अपना किराए पर दे थे तो किराए में मकान दे से पहले एक बार सोच समझ ले काहे से कि रीवा में हाल ही में एक घटना सामने आई है जहां एक खालिस्तानी समर्थक का किराए के मकान से दबोचा का है। रीवा के पडरा मोहल्ला में बता दी कि दबिश दे के किराए के मकान से ये आरोपी का दबोचा का है जिसके बाद रीवा में एक खबर के बाद सनसनी फैली है। तो मध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सबजरिन का प्रणाम कही थे शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता रही कि रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत तो पड़रा मोहल्ला के पास HP पेट्रोल पंप के पीछे बता दें कि किराए के मकान से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की गई है। बतावा जाता है कि यह डिवाइस कॉल सेंटर के नाई मोबाइल फोन के बातचीत और मैसेज का एक्सचेंज कर रही थी। दावा यह कहा गया है कि मशीन के जरिए खालिस्तानी समर्थकन के द्वारा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देखे पहुंचे क्रिकेट प्रेमी का धमकावे के काम कीन गया रहा। 27 घंटे तक पुलिस के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलावा गया और उसके बाद सिम बॉक्स 5 राउटर 3 सैकड़ा से अधिक सिम कार्ड बरामद कीन के अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के रीवा में दबिश के एक खबर के SP नवनीत भसीन के द्वारा पुष्टि कीन गई है। जानकारी दीन गए कि पड़रा स्थित एक किराए के मकान से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं। साइबर सेल मशीन का खोजे के दौरान गुजरात के अहमदाबाद से छतरपुर और सतना के बाद रीवा पहुंची थी। लोकेशन के आधार पर डिवाइस का जब्त किए गया है। मकान मालिक से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के द्वारा पूछताछ की गई जहां मकान मालिक के द्वारा बतावा गया कि सतना के रहने वाले राहुल द्विवेदी और नरेंद्र कुशवाहा नाम के उनके यहाँ दो किराएदार रहा था। मकान मालिक के द्वारा जानकारी दी गई कि दोनों युवक लाइट फिटिंग और प्लम्बर के काम करा था हालांकि कई एक दिन से यहां नहीं पहुंचे आई। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के द्वारा साइबर सेल की मदद से गेट तोड़ के भीतर प्रवेश कर गए जहां एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित एक कमरा से कई एक संदिग्ध चीज मिली है। CSP शिवाली चतुर्वेदी के द्वारा जानकारी दी गई कि 10 मार्च के रात 9 बजे से 11 मार्च के रात 12 बजे तक अहमदाबाद क्राइम ब्रांच सतना और रीवा के पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन चलावागा। राहुल द्विवेदी की गिरफ्तारी सतना में हुई जबकि नरेंद्र कुशवाहा की गिरफ्तारी छतरपुर से हुई है। गुजरात क्राइम ब्रांच के द्वारा अहमदाबाद में मीडिया ब्रीफ में यह ऑपरेशन की पुष्टि की गई। दोनों आरोपियों का गुजरात पुलिस अपने साथ कस्टडी में लेके चली गई। दोनों खालिस्तानी समर्थकन से आतंकवादी गतिविधि के संबंध में अब जानकारी इकट्ठा की जाला है। एक साथ पूरे नेटवर्क का अब मध्य प्रदेश में तलाशा जाला है। पूरे मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के द्वारा जानकारी दी गई कि अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 9 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित होने वाले टेस्ट मैच में खलल डालने की कोशिश की गई। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के यह कहब है कि दो खालिस्तानी समर्थकन के द्वारा धमकी दी गई जैसे क्रिकेट प्रशंसकन के बीच डर के माहौल बना रहा। मैच के शुभारंभ करे खातिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज पहुंचे रहे। अहमदाबाद में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देखे खातिर पहुंचे लोगों का खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू के आवाज में रिकॉर्डेड मैसेज भेजे गए रहे जिसके बाद मैच के दर्शकन के बीच डर के माहौल बना रहा। तो अगर अपना रीवा महन या फिर कहाँ रही थे अपना मकान अपने किराए पर दे थे तो कई दर की पुलिसों के द्वारा ये जानकारी दी जाती कि जो व्यक्ति का अपना किराया में मकान दे रहे हैं उनसे संबंधित जरूरी जानकारी रखी आधार कार्ड से लेकर जरूरी दस्तावेज के फोटो कॉपी जरूर रखी नहीं तो अपना के अनजान होएगे फायदा जो है ऐसा कुछ लोग साथी लोग उठाए सका था और अपना मुसीबत में फंस सकी थी। तो बेहद सजग रहने की जरूरत थी सतर्क रही रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दें। इजाजत प्रणाम। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट इन सभी में रोजगार की अपार संभावना। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।